नमस्कार, मैं रविश कुमार। मायावती आज लखनऊ में इतना बोली कि उसमें नरेंद्र मोदी के 5.5 भाषण, राहुल गांधी के 9.25 भाषण समा सकते हैं। अब मायावती इतना कम बोलती हैं कि साल में इतना तो बोल ही सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती ने जो भी बोला वो कांग्रेस बीजेपी की नज़र से आलोचना योग्य नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि राजनीति के बदलने को लेकर समझ की जो नई धारा पिछले कुछ महीनों से राजधानी दिल्ली से चल रही थी, मायावती ठीक उसके खिलाफ अपने मूल सिद्धांतों के साथ खड़ी नजर आईं। इस बात के बावजूद कि बीएसपी के स्टॉल पर भी आम आदमी टोपी टाइप तिरछी और उल्टी नाव वाली टोपी बिक रही थी, आम आदमी की अवधारणा को लेकर मायावती ने अपनी वैचारिक दूरी साफ की। कहा कि श्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आज भी जातिवादी और गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के शिकार होते चले आ रहे करोड़ों लोगों को, अर्थात दलितों, पिछड़ों, अन्य उपेक्षित वर्गों को अपने खुद के, ध्यान से सुनिए, अपने खुद के वैश्य समाज यानी बनिया समाज एवं अन्य समाज की तरह एक लाइन में खड़ा करके इन्हें भी आम आदमी की ही संज्ञा देकर इसकी आड़ में काफी ज्यादा उपेक्षा की है। ये भी यहां पूरे देश में गंभीरता से सोचने का विषय बना हुआ है। मायावती सवाल कर रही हैं कि जातिगत भेदभाव की स्थिति में आम आदमी कोई कैसे हो सकता है। मायावती ने यह भी कहा कि अगर इन वर्गों के लोग हर स्तर पर सही मायने में अन्य वर्गों की तरह आम आदमी बनकर अपना जीवन जी रहे होते तो फिर इन्हें अपने हितों के लिए अलग दल बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। आरक्षण को बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, ना ही कुछ राज्यों के मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जाता, ना ही हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां का श्री केजरीवाल खुद रहने वाला है, वाले है नहीं, खुद रहने वाला है, वहां के कुछ गांवों में इन दलित वर्गों के लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नई बात तो नहीं है, मगर इस नए दौर में जहां सब खुद को आम आदमी बताने के लिए बेताब हैं, मायावती ने इस परिभाषा को ही चुनौती दे दी है। आम आदमी पार्टी जात पात धर्म मजहब के खिलाफ है, कहती है मायावती, कहती है कि जब अंतर ही इसी आधार पर है लोगों के बीच तो सब आम आदमी एक ही सफ में कैसे। लेकिन वे केजरीवाल के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी वैचारिक निशाना साध रही थी। मायावती का चाय वाला और मोदी का चाय वाला दोनों अलग है। वो कहती है कि अपने देश में विशेषकर दलित वर्ग के आम व्यक्ति को छोड़कर किसी और व्यक्ति का चाय बेचने या जूता बनाने का कार्य भी करता है तो उसे भी लोग यहां बड़े सम्मान से देखते हैं, और यदि इसके स्थान पर कोई दलित वर्ग का आम व्यक्ति चाय बेचने या जूता बनाने से ऊपर उठकर अपनी मेहनत से किसी जिले का कलेक्टर, एसएसपी बन जाता है तो भी उसे यहां ज्यादातर लोग जातिवादी सोच के चलते हीन भावना से देखते हैं। मायावती ने विशेष रूप से कहा कि हमारे पास दलित बेस है जिसने, ये भी ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दलित बेस है जिसने यूपी में सपा बीजेपी की हर तरकीब के बाद भी शांति बनाए रखा और दंगों में मुस्लिम समाज को और दंगा पीड़ित हिंदू समाज को राहत पहुंचाने का काम किया। मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भीतर दलित मुस्लिम एकता को विशेष रूप से रेखांकित कर रही थी। मोदी, राहुल और केजरीवाल के बीच बटे टेलीविजन स्पेस में मायावती ने एक दिन में कितनी जगह हासिल की, इसके लिए विद्वान इंची टेप लेकर फुटेज नापते रहे। लेकिन इसमें किसी को शक है कि लोकसभा की चुनावी जंग में यूपी के मैदान में मायावती खुद को बीजेपी, कांग्रेस और सपा के खिलाफ अकेले खड़ा कर क्या 2007 वाली राजनीतिक जमीन बना रही हैं और बन सकती है। दलित, अति पिछड़े और मुसलमानों की, और उसमें ब्राह्मण भी थे। क्या पहले यूपी में मायावती की इन तीन दलों से डायरेक्ट फाइट नहीं रही, वही बता सकती हैं। उनका कहना है कि 2012 में कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने मिलकर बसपा को हराया लोकसभा के चुनाव में और फिर विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे की उम्मीदवारों को मदद करके। ऐसे आसान आरोपों से मायावती अपने समर्थकों को संतुष्ट तो कर सकती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी सहमत होंगे? फिर माया क्यों सेंटर में कांग्रेस की आर्थिक मदद करती रही? पहली बार उन्होंने सबके खिलाफ डायरेक्ट फाइट का आह्वान किया है। कपिल सिब्बल और अरविंद केजरीवाल इस तरह से गले मिलने की इस तस्वीर को क्या यूं ही नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि तीज त्यौहार में दुश्मन भी ऐसे मिल जाते हैं? उसी त्यौहार में सलमान खान और मोदी की तस्वीर क्या ये कहती है कि ऐसे मौक़ों पर दोस्त भी बन जाते हैं? आप और बसपा एक दूसरे के खिलाफ, मगर दोनों नरेंद्र मोदी के खिलाफ।
कांग्रेस के खिलाफ तो मायावती भी हैं और आप भी, मगर सवाल विरोधी नंबर वन का है। जिस तरह से मायावती ने टीवी और ट्विटर को खारिज करते हुए अपने मूवमेंट के बेस से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि एक छोटे से राज्य, ध्यान से, एक छोटे से राज्य गुजरात में गोधरा कांड में दंगे रोकने में असफल व्यक्ति सभी धर्मों जातियों के बीच भाईचारा व यूनिटी कैसे पैदा कर सकता है। उधर योगेंद्र यादव कहते हैं कि कांग्रेस रेस से ही बाहर है, मगर बीजेपी भी तो कुछ कहेगी, वो रेस से बाहर नहीं, आपके साथ है। प्राइम टाइम हम बात करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी, उपाध्यक्ष प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दिलीप पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, पीएल पुनिया साहब सांसद कांग्रेस, सुधींद्र भदौरिया साहब नेता बीएसपी, उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार। तो विरोधी नंबर वन पार्टी के उपाध्यक्ष जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब, पहला जवाब आप किस पर देना चाहेंगे, कि आपके विरोधी नंबर वन होने पर या मायावती के विरोधी नंबर वन होने पर? जिस तरह से उन्होंने अपने आज के भाषण में ये कहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आप बहुत अच्छा इस पे शेर भी सुना सकते हैं, और एक तरह से सीधा टारगेट किया है कि 20 करोड़ के यूपी वाले राज्य में मायावती के शासन में कोई दंगा नहीं हुआ। हालांकि गृह मंत्रालय की तब की रिपोर्ट कुछ और कहती है गुजरात के बारे में भी, लेकिन फिर भी नकवी साहब आपकी मर्जी। देखिए, आज देश जो है वो कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ एक क्रांति के रास्ते पे चल पड़ा है, और जब कांग्रेस के करप्शन और कुशासन की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के चंगू मंगुओं की बात भी होगी, जो कांग्रेस के कुशासन और करप्शन, कांग्रेस के चंगू मंगू किसको कहा सर आपने? कांग्रेस के करप्शन के और कुशासन को बैसाखी लगा करके बचाते रहे, हर समय वो संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे, तो इसलिए आज अच्छा ये लोग चंगू मंगू का माहौल है, और एक सुशासन के लिए एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन चल रहा है। निश्चित तौर से आज देश में एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में कि लोग करप्शन से मुक्त चाहते हैं और एक सुशासन का माहौल चाहते हैं। मायावती जी ने अगर आज ये बात लखनऊ की रैली में कही, या समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं, या जो है वो जो चिलवन के पीछे से कांग्रेस के पार्टी के साथ खड़ी हुई पार्टी है वो ये बात कहती है, तो एक बात तो बहुत साफ है कि सभी पार्टियां एक बात इस बात को पुख्ता तौर से समझ चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल है, और आज कांग्रेस पार्टी के कुशासन का एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, विकल्प है, लेकिन मायावती ने कुछ सवाल भी किए हैं। मैं कह रहा हूं कि विकल्प है मतलब कांग्रेस के खिलाफ लहर है, इसका मतलब क्या इस बात की भी लहर है कि कांग्रेस के खिलाफ जो लोग भी हैं उन पर सवाल ना किए जाएं? जो किया है मायावती ने उस पर अगर आप देखिए, मैंने भीड़ का की संख्या वाली बात नहीं कही, क्योंकि वहां भी वो जिमी जिप जो होता है वो घूम रहा था, उन्हीं का लोग वहां भी थे और आपके यहाँ भी थे, है ना? तो वो जो कैमरा 25 को 75 दिखाता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और ठीक है, आपकी आपकी रैली में लोग स्वाभाविक रूप से आते हैं, उनकी रैली में, चलिए आपकी तरफ से मैं कह देता हूँ, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गोधरा के सवाल पर टारगेट किया है, कुपोषण के सवाल पर टारगेट किया है। मैं इन भाषणों को पढ़ रहा था तो अंत तक जाते जाते वो एक तरह से बहुत ही आक्रामक हैं, स्पष्ट रूप से नाम लेकर, वो बीजेपी की भी बात नहीं है, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम लिया है पर कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं है, पर नरेंद्र मोदी का बार बार जिक्र है, इस पे मैं चाहता हूं आपका आपकी टिप्पणी सर। मैंने इसीलिए तो आपसे कहा ना कि देखिए, अब चंगू मंगू में आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कौन है बीजेपी। अगर निशाने पे है उन तमाम लोगों के, उन तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के, नरेंद्र मोदी अगर निशाने पे है तो ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि आज देश जो है वो क्या चाह रहा है, क्या पसंद कर रहा है। मायावती जी का जहां तक सवाल अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो उन्हें एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन की कमान अपने हाथों में ली, एक समाज के दबे कुचले कमजोर तबके को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उनको नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, लेकिन वो जिस रास्ते पर जा रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस की बैसाखी का उन्होंने रूप धारण कर लिया और कांग्रेस के हर संकट में संकट मोचक की भूमिका निभाई, उससे उस सामाजिक आंदोलन को ठेस पहुंची है। ठेस पहुंची है, ठीक है, ये उसे इससे, लेकिन आप जब चंगू मंगू कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। देखिए, पप्पू फेंकू का यूपी वर्जन है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन चंगू मंगू की तुलना आपसे कैसे करूं, आपके पास जो विधायकों की संख्या है उससे करूं या बसपा के पास जो विधायकों की संख्या है उससे करूं,
या यूपी में आपके पास जो सांसदों की संख्या है उससे चंगू मंगू समझूं किसी को, या समाजवादी, या उसको छोड़ देते हैं फिर भी, ये ठीक नहीं है एक तरह से। लेकिन भदौरिया साहब, आप वहां पर थे, इतना मोदी का नाम लेकर टारगेट किया मायावती ने, आपका भी उसमें जिक्र है, लेकिन कांग्रेस का भी निशाना है, पर कांग्रेस के नेतृत्व का कोई नाम नहीं है इस पूरे भाषण में। 15 पेज का भाषण है, मैंने ठीक ठीक पढ़ा है, इसमें ना राहुल गांधी खलनायक के रूप में है, ना सोनिया गांधी, ना मनमोहन सिंह, पर उनकी सरकार की नाकामियों वगैरह का जिक्र है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी उभरते हैं इस पूरे बहस में, उनके भाषण में कांग्रेस का कोई नेता नहीं उभरता है। देखिए, ये आप वाली रणनीति तो नहीं है आपकी। देखिए, हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज हमने देखा लखनऊ के अंदर बहन मायावती जी का आह्वान, मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों को लेकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का ही लोगों का आह्वान नहीं किया, बल्कि पूरे देश को, और नरेंद्र मोदी वाली, देखिए देश के लोगों में आज की राजनीति में जो मुख्य प्रश्न है उनको भी रेखांकित किया, और आज की जो चुनौतियां हैं उसके अंदर जो उभरते हुए विचार हैं उनका कैसे मुकाबला किया जाएगा उसका भी उन्होंने एक दिशा दृष्टि दी है। जैसे मसलन की उन्होंने खास तौर से मोदी के लिए स्पष्ट ये कहा कि जो व्यक्ति इस समय सामाजिक तौर पर दलित हो, मुस्लिम हो, या फिर इस तरह के जो अन्य तबके हैं, वो उन तबकों में इन लोगों की राजनीति एक खास किस्म के बंटवारे की रही है। कांग्रेस देखिए इस समय हाशिए पर है। अच्छा, कांग्रेस इस समय हाशिए पर है, और कांग्रेस से देखिए इस समय देश के अंदर सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं। आप मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुख्य धारा में है? नहीं, मैं मुख्य धारा नहीं कह रहा हूं। कौन है इस देश के मेरे अलावा और कौन है मुख्य धारा? देखिए इस समय देश के अंदर एक वैचारिक तौर पर द्वंद्व हो रहा है, एक सांप्रदायिक शक्तियों में और कुछ ऐसे तथाकथित कॉर्पोरेट जगत के कुछ छोटे मोटे राजनीतिक औजार तैयार हो रहे हैं जो आम आदमी के नाम पर जो वास्तव में जो निर्धन लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों की जगह उस परिभाषा में आना है। मैं आता हूं उस परिभाषा पर, लेकिन ये जो चुनौती है हमारे सामने, और देखिए उसमें गोधरा से लेके मुजफ्फरनगर नगर तक, गोधरा से लेके मुजफ्फरनगर तक, तभी सलमान खान सैफई में भी डांस करते हैं, मोदी के साथ पतंग उड़ाते हुए भी दिखते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि कुछ इस तरह की ताकतें देश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती हैं जिसका केवल मुकाबला मायावती जी कर सकते हैं। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही अपना विरोधी नंबर एक क्यों मान रहे हैं? देखिए, जो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं उसी बात को आप दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि वही आगे हैं दावेदारी पे, तो अब उन्हीं से लड़ना है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक जमीन है, राजनीतिक जमीन है, उसमें सीधी लड़ाई भाजपा और बीएसपी की है, और भाजपा और बीएसपी की लड़ाई के अंदर, भाजपा और बीएसपी की लड़ाई है, और उस भाजपा यही बात कही है ना, इस बात को कहने के लिए कितनी बातें कही हैं, बीएसपी की लड़ाई में मोदी जरूर हैं, और मोदी से हम लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाना है, जो उत्तर प्रदेश में सिफर हो चुके हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है, वो कैसे पहले नंबर की विरोधी पार्टी बन जाती है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए जरा। आज पहले नंबर की पार्टी नहीं है, वो दूसरे नंबर की पार्टी। आपने कहा कि बीएसपी और बीजेपी के बीच में टक्कर है उत्तर प्रदेश में, विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी या तो तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी होगी, उर्मिला जी है कि नहीं? मैं इसको जरा सा प्लीज बुलवाइएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमको 26% वोट मिला था, मुलायम सिंह को 29% वोट मिला था। आज उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की वो हालत हो गई है जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की हालत थी। अच्छा। हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर एक हैं, बहुत आगे हैं, पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी कैसे आ गई आपके बराबर? हमारे बराबर नहीं आई, हमसे बहुत पीछे है, पर हमको और उसको पीछे, हमको उससे और इतना पीछे ढकेलना है कि देश के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों का उदय ना हो पाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं देख रहा था कि पहली बार मैं मतलब हाल के दिनों में इस तरह से ये भाषण ठीक है, मतलब राजनीतिक तरीके से कोई इसकी आलोचना कर सकता है, पर मुझे एक लग रहा था कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि मायावती खुद लिखती हैं अपना भाषण, तो एक सोच समझ के लिख रही थी। उर्मिलेश आ रहा हूँ पुनिया साहब आपसे भी, और सोच समझ के लिख रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है
कि एक तरफ मोदी रैली करते हैं तो हुंकार से लेकर गर्जना और महागर्जना, उनका उनकी रैलियों का एक ये स्केल है। ये अपनी रैली का नाम सावधान रैली रखती हैं। जब मैं इनके 15 पन्ने के इस भाषण को, और काफ़ी लंबा भाषण था, मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगा कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को सावधान कर रही हैं दो चीज़ों से, एक नरेंद्र मोदी से, एक आम आदमी पार्टी से। इन दोनों को एक तरह से वो सावधान कर रही हैं। आपको लगता है कि क्या आपको भी ये फीलिंग हुई उर्मिलेश जी की, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद मायावती अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऐसे बात कर रही थी जैसे पहली बार बात कर रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है इसकी वजह है क्योंकि कांशीराम जी के नेतृत्व में जब बसपा ने उसका बसपा का जब अभ्युदय हुआ तो उसके बाद जब उनके पास सत्ता आई तो उन्होंने वाकई उत्तर प्रदेश में दलित समाज के एम्पावरमेंट के लिए ऐसा काम किया, इतना हिस्टोरिकल काम किया जो अब तक नहीं हुआ था। तो इसमें मायावती जी और कांशीराम जी, खासकर उनकी लीडरशिप का एक बड़ा हिस्टोरिकल योगदान है। इसको मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करता हूं और मानता हूं, जो पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन हाल के दिनों में अगर पिछले मायावती जी के कार्यकाल को देखें तो जो बड़े काम वो कर सकती थी, मेरा कहना है कि सोशल लेवल पर और पोलिटिकल लेवल पर एम्पावरमेंट का काम उन्होंने किया। लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर जो बड़ा काम वो कर सकती थी, जो मसलन लैंड रिफॉर्म्स, मसलन स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे, उन पर नहीं किया। और यही कारण है कि आज वो डरी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी, डर लगा या उनका एक बहुत सधा हुआ राजनीतिक भाषण लगा या उसमें आपको डर लगा? एक सावधानी भी है, एक जो आप कह रहे हैं सतर्कता, वो ये कह रही है कि लोग सतर्क रहे। उसकी वजह रवीश मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में देखिए अपना दल बना, अपना दल कोई बहुत बड़ा दल अभी नहीं बना है, लेकिन अपना दल की जो नेत्री है अनुप्रिया पटेल, वो भी वही सवाल उठा रही हैं जो आदरणीय कांशीराम जी और मायावती जी उठाते रही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो लोग भी स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कि इन लोगों को अब ये भी है, अभी आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जिस तरह से उसका कुशासन है, जिस तरह इतने प्रचंड बहुमत के बाद एक बुरी सरकार चल रही है, वो विकल्प नहीं बन सकती। ऐसे में मायावती जी को सचमुच लगता है कि आप पार्टी, आप पार्टी के लोग अगर दलितों के मध्य वर्ग के बीच स्पेस बनाते हैं, क्योंकि पार्टी जो बसपा है उसमें डेमोक्रेटिक स्पेस का अभाव है। और यही कारण है कि एक तरफ आपसे खतरा है, दूसरी तरफ जो हिंदुत्व जो सोच के लोग हैं उनकी तरफ झुकाव अगर बढ़ता है, तो मुझे ये मूल कारण है जिससे कि वो अलर्ट कर रही हैं अपने लोगों को।